क्लास में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। इन सब इनइक्वालिटी वगैरह का यूज हम लोगों को ग्राफ के चैप्टर में डोमेन रेंज इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में सारी इनइक्वालिटीज देख लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो पहली हम इनइक्वालिटी देखेंगे साइन एक्स की। देखो जब भी आप साइन एक्स की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो जो टाइम पीरियड लेंगे जो इंटरवल लेंगे वो 2π लेंथ का लेंगे। 2π हमने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि 0 से 2π में लेंगे, हमने कहा 2π लेंथ का लेंगे। अब हम आपको वो एक्सप्लेन करेंगे, चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखो जैसे मान लो कि हमें सॉल्व करना है साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2, तो आप यहां पे सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ये हो गया। इसके बाद आप y इक्वल टू 1/2 लाइन ड्रॉ कर लिए, जैसे sin x ग्रेटर देन 1/2 तो sin x ग्राफ प्लॉट कर लिए। अब y इक्वल टू 1/2 लाइन, ये लाइन होगी y इक्वल टू 1/2। जीरो से 2π में इस इंटरवल को लीजिए, 0 से 2π। फिर देखो आप जहां पर ये लाइन ग्राफ को कट कर रही उन पॉइंट्स को फाइंड करें। तो देखो ऐसे फाइंड करते हैं, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, π/6 पर। तो ये पॉइंट अगर π/6 है तो ये पॉइंट 0 से जितना आगे मिलेगा ये वाला पॉइंट पाई से उतना ही पीछे मिलेगा, यानी ये पॉइंट आपको जाएगा 5π/6। अगर मान लो कि साइन एक्स इक्वल टू -1/2 लाइन होती तो पाई से उतना ही आगे जाते, π+π/6 यहां पर वैल्यू -1/2 होती और ये 2π-π/6 यहां पर वैल्यू -1/2 होती। इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फिर देखो आप चाहते हो कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर हो, तो यहां पर आप देखिएगा कि ये वाला ग्राफ जो है इतना ये 1/2 लाइन से अबव है, केवल एक टाइम इंटरवल में देखिए 2π लेंथ हमने ले ली 0 से 2π, पूरा इंटरवल हमको एक साथ मिल रहा है इसलिए हम 0 से 2π लेंगे। π/6 से 5π/6 का जो इंटरवल है 0 से 2π में कंटीन्यूअस एक साथ मिल रहा है, ब्रेक होके नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसमें 0 से 2π का इंटरवल ले लेंगे। अब देखो π/6 से लेके 5π/6 तक आप देख सकते हो कि ये वाला ग्राफ जो है वो y=1/2 लाइन के अबव है, और आप चाहते हो कि sin x 1/2 से ग्रेटर हो तो आप बोलोगे जो x का इंटरवल होगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू π/6 टू 5π/6। लेकिन ये जो सॉल्यूशन आया है वो केवल एक टाइम इंटरवल का आया है 0 से 2π का। ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड 2π है। तो फिर आप लोग इसका जब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो जो टाइम पीरियड होगा, यहां पे टाइम पीरियड 2π है, उसको n से मल्टीप्लाई करके यानी 2nπ वो आप यहां पर ऐड कर दोगे, 2nπ प्लस π/6 टू 2nπ प्लस 5π/6। n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इनइक्वालिटी sin x ग्रेटर देन 1/2 का सलूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन या नेक्स्ट इनइक्वालिटी हम अगर सॉल्व करना चाहते हैं साइन एक्स लेस देन 1/2। अब देखो साइन एक्स लेस देन 1/2 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखिएगा 1/2 से लेस 0 से 2π में अगर पूरा देखेंगे तो ये लेस होगा, ये वाला इसको हटा देते हैं, ये ग्रेटर का था इसको एकदम ये
अब हम लेस वाला देखते हैं, तो ये लेस है यहां से यहां तक, उसके बाद फिर ये लेस, तो हम इसका देख सकते हैं कि जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा x belongs to 1 by 2 से लेस होना है, x belongs to 0 to pi by 6, ध्यान दीजिएगा 0 to pi by 6, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो pi by 6 पर ओपन, 0 पे क्लोज करेंगे इसलिए कि जब आप x को 0 रखोगे तो साइन 0 0 आएगा जो कि 1 by 2 से लेस है, तो 0 पर क्लोज pi by 6, पाई बाई सिक्स जो है वो 1 बाई 2 के इंटरसेक्शन के वजह से मिल रहा है तो पाई बाई सिक्स पर ओपन यूनियन। फिर देखिए 5 पाई बाई सिक्स से लेके आप 2 पाई तक चेक करिए, यूनियन 5 पाई बाई सिक्स टू 2 पाई, 5 पाई बाई सिक्स पर ओपन 2 पाई पर क्लोज्ड। तो इसका सोल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई सिक्स यूनियन 5 पाई बाई सिक्स टू 2 पाई। इसको सॉल्यूशन एग्जाम में इस तरीके से भी दिया जा सकता है और आज इसका सॉल्यूशन ऐसे भी दिया जा सकता है, देखो किस तरीके से। यहां पर जो हम लोगों ने 0 ये जो सॉल्यूशन हमने लिखा है वो जब हमने x का इंटरवल लिया है 0 से 2 पाई, लेकिन अगर हम इसी लेंथ को यहां से यहां तक ले लेते 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कितना जाएगा 13 पाई बाई 6। अगर हम लोग x का इंटरवल पाई बाई 6 से लेके 13 पाई बाई 6 लें तब भी आप देख सकते हो इस इंटरवल की जो लेंथ है वो 2 पाई है, और इस लेंथ में अगर हम लोग साइन x लेस देन 1 बाय 2 का सॉल्यूशन देखें तो देखो इस बार हम पाई बाय 6 से देखना शुरू करेंगे, यहां से इसको भूल जाएंगे ये नहीं, तो आप देखोगे लेस देन 1 बाय 2 का जो पूरा सॉल्यूशन होगा वो एक पूरा एक इंटरवल में जाएगा कॉन्टिन्यूअस, कहां से कहां तक 5 पाई बाय 6 से लेके 13 पाई बाय 6 तक। तो उस केस में हम लोग जब इसका सॉल्यूशन लिखते तो क्या लिखते x बिलोंग्स टू 5 पाई बाई 6 टू 13 पाई बाई 6। तो एग्जाम में आपको ये वाला आंसर भी गिवन हो सकता है जिसमें हम लोगों ने इंटरवल की साइज 0 से लेकर 2 पाई तक को लिया है, और ये वाला भी पाई बाई 6 से लेकर 13 पाई बाई 6 तक ये वाला इंटरवल भी लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो सोल्यूशन आया है वो केवल और केवल एक कॉन्टिन्यूअस इंटरवल आ गया है जबकि यहां पर दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। तो एग्जाम में ये आंसर भी आपको मिल सकता है और ये वाला भी मिल सकता है। इसमें जब जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो लिखोगे x belongs to 2n pi to pi by 6 union sorry 2n pi to 2n pi plus pi by 6 union 2n pi plus pi by 5 pi by 6 to 2n pi plus 2 pi open। ध्यान दीजिएगा जब हमने केवल 0 से 2 pi में सॉल्यूशन लिखा था तो यहां पे 2 pi को क्लोज किया था, लेकिन जब जनरल सॉल्यूशन लिखा तो हमने यहां पे 2 pi पर ओपन कर दिया। देखो ये इसलिए किया गया कि जब हम n को इसमें 0 रखेंगे तब यहां पर वैल्यू 2 pi मिलेगी, लेकिन जब हम यहां पर n को 1 रख लेंगे तो यहीं पर वैल्यू 2 पाई मिल जाएगी, और आप देखोगे कि n की वैल्यू 0 रखने पर यहां पर 2 पाई और n की वैल्यू 1 रखने पर यहां पर 2 पाई। अगर यहां भी हम क्लोज करते हैं और यहां भी क्लोज करते हैं तो 2 पाई n इक्वल टू 0 पर भी सॉल्यूशन में आ रहा है और n इक्वल टू 1 पर भी सॉल्यूशन में आ रहा है। तो इसी पॉइंट को किसी भी एक पॉइंट को हम एक ही बार इंक्लूड करते हैं, इसलिए जब कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री में इनइक्वालिटी दिख रहे हैं और इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट उन दोनों पर अगर आप लोगों को क्लोज इंटरवल दिखाई दे रहा है तो जब जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो आप जो है किसी एक पॉइंट पर ओपन कर सकते हो। जैसे कोई पूछे कि क्या हम यहां 0 पर भी ओपन कर सकते थे, बिल्कुल 0 पर आप ओपन करते तो 2 पाई पे क्लोज करते लास्ट वाले पे।
आपने अगर जीरो पर क्लोज कर लिया है तो टू पाई पर आप क्या कर दोगे, ओपन। दूसरा सोल्यूशन ये वाला, इसका जनरल सोल्यूशन, तो एच बिलोंग्स टू टू एन पाई प्लस फाइव पाई बाई सिक्स टू टू एन पाई प्लस थर्टीन पाई बाई सिक्स। एग्जाम में दोनों में से कोई आंसर दिया जा सकता है। दोनों में देखोगे इंटरवल की जो लेंथ है, इसमें भी हमने 2 पाई ली है, इसमें भी हमने 2 पाई ली है। इस वाले इंटरवल में हम लोगों को जो सोल्यूशन है वो दो पार्ट में ब्रेक होके मिल रहा था, जबकि इस वाले इंटरवल में पूरा सोल्यूशन एक कंटिन्यूअस इंटरवल में मिला। तो एग्जाम में आपको जो आंसर दिया जाएगा उसका यूज आप कर सकते। नेक्स्ट है 2 साइन एक्स प्लस रूट थ्री लेस देन आर इक्वल टू जीरो। इस बार हमने इक्वल टू का भी यूज किया, तो यहां से आपको मिल जाएगा साइन एक्स लेस देन आर इक्वल टू माइनस ऑफ रूट थ्री बाई। पहले आप साइन एक्स का प्लॉट करिए, जीरो से टू पाई में माइनस आप रूट थ्री बाई टू लाइन यहां पर आए, वाई इक्वल टू माइनस आप रूट थ्री बाई टू। देखो इसको, इस पॉइंट को फाइंड करो, इस पॉइंट को फाइंड करो कैसे, आप देख लो कि साइन एक्स की वैल्यू रूट थ्री बाई टू कहां पर, तो आपको मालूम है कि वहां पर एंगल आएगा वो पाई बाई थ्री आएगा। तो बस ध्यान रखिएगा कि जैसे ये जीरो से पाई बाई थ्री आगे मिलेगा, तो यहां पे पाई से पाई बाई थ्री पहले मिलेगा अगर रूट थ्री बाई टू लाइन होती, माइनस रूट थ्री बाई टू है तो पाई से पाई बाई थ्री आगे, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई थ्री। पाई प्लस पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा, फोर पाई बाई थ्री। सिमिलरली ये वाला पॉइंट टू पाई से पाई बाई थ्री पहले, 2 पाई माइनस पाई बाई टू सॉल्व कर लिया जाएगा तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, पाई पाई बाई थ्री। फिर कह रहा है कि लेस देन, यानी ग्राफ का वो पोर्शन जहां पर ये ग्राफ इस लाइन के बिलो है, तो ये देख सकते हो कि ये वाला पोर्शन बिलो है। इस वाले पोर्शन में x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 4 पाई बाई थ्री से लेके 5 पाई बाई थ्री तक। तो सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4 पाई बाई थ्री कामा 5 पाई बाई थ्री, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट इंटरसेक्शन से मिले हैं हमको, ये वाला भी इंटरसेक्शन से 4 पाई बाई थ्री, ये वाला भी इंटरसेक्शन से 5 पाई बाई थ्री। यहां पर इक्वल टू का साइन है तो दोनों पे क्या हो जाएगा, क्लोज। फिर जब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस 4 पाई बाई थ्री 2n पाई प्लस 5 पाई बाई। इसमें आप लोग ओपन और क्लोज वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, वो केवल कब होता है जब x ब्रांच 0 टू 2 पाई हो, और 0 और 2 पाई ये इंटरवल का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये सोल्यूशन में आए और दोनों पे क्लोज होगा तो एक पर ओपन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बीच के पॉइंट्स ये 0 और 2 पाई के बीच का इंटरवल है, इसमें अगर आप लोगों को दोनों पॉइंट पर क्लोज है तो जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तब भी दोनों पॉइंट पे क्या रखेंगे, क्लोज। नेक्स्ट इनइक्वालिटी cos x के देखिए, हमको सॉल्व करना है cos x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बाय 2। cos x का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, पहले 0 से
टू पाई में प्लॉट करिए, ये 2 पाई पॉइंट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद आप y इक्वल टू 1 अपॉन 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन होगी y इक्वल टू 1 अपॉन 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करिए, तो 0 से ये पॉइंट cos x की वैल्यू 1 बाई 2 किस पॉइंट होती है, पाई बाई 3 पर। तो 0 से ये पॉइंट पाई बाई 3 आगे होगा, तो आपको जब इस पॉइंट को फाइंड करना होगा तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो 2 पाई से उतना ही पीछे होगा, 0 से जितना आगे ये वाला पॉइंट 2 पाई से उतना ही पीछे। तो ये वाला पॉइंट आप जब फाइंड करोगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, जिसको सॉल्व करने पर यह पॉइंट कितना मिल जा रहा है, 5 पाई बाई 3। 0 से 2 पाई में cos x ग्रेटर देन 1 बाई 2, तो आप देख सकते हो कि 1 बाई 2 से ग्रेटर ये यहां से यहां तक है, और फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि ये यहां से यहां तक भी ये 1 बाई 2 से ग्रेटर मिल रहा है। तो आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 देख सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वजह से, तो यहां पे क्लोज। 0 पर आप देख सकते हो 0 पुट करने पर वैल्यू 1 बाई 2 से ग्रेटर है, 1 है, तो यहां पे भी क्लोज यूनियन। फिर आप देख सकते हो 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 ये पॉइंट जो है इंटरसेक्शन की वजह से है, तो क्लोज। 2 पाई, 2 पाई पर वैल्यू 1 है जो कि 1 से ग्रेटर है, सॉरी 1 बाई 2 से ग्रेटर है, तो यहां पे भी क्लोज। जनरल सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो लिखेंगे, देख सकते हो इंटरवल का इनिशियल पॉइंट 0 था, लास्ट पॉइंट 2 पाई था, दोनों ही सॉल्यूशन में आ रहे हैं, दोनों पे क्लोज है, तो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई होता है, तो 2n पाई, 2n पाई प्लस पाई बाई 3 यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3, तो 2n पाई प्लस 2 पाई, यहां पर ओपन है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहां पर ये जो सॉल्यूशन आया दो पार्ट में ब्रेक हो गया है। अगर हम इसी इंटरवल को माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ये पॉइंट 3 पाई बाई 2, ये वाला सॉल्यूशन तब आया जब हमने x का इंटरवल लिया 0 से 2 पाई, तब हमको ये मिला। लेकिन अगर हम x का इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 लें, देख सकते हो कि ये इंटरवल भी 2 पाई लेंथ का है, इसकी भी लेंथ 2 पाई है, तब आप देखिएगा इस केस में केवल यहां तक कंसीडर करिए, यहां इसको भूल जाइए, इसके आगे का पार्ट भूल जाइए। तो देख सकते हो ये इंटरसेक्शन, जितना ये पॉइंट आगे उतना ही पॉइंट 0 से पीछे, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा माइनस पाई बाई 3। तब आप देख सकते हो ग्राफ में ये पोर्शन यहां से ये यहां तक, और फिर ये इतना पूरा पोर्शन आप देख सकते हो y इक्वल टू 1 अपॉन 2 लाइन से अबव है। तो यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो ये यहां से माइनस पाई बाई 3 से लेके यहां तक हो जाएगा पाई बाई 3 तक। उसके बाद मत देखना, 3 पाई बाई 2 के बाद भूल जाओ, इसके बाद ग्राफ को भूल जाओ, इसके इधर देखो। तो इसके इधर आप देख सकते हो y इक्वल टू 1 अपॉन 2 लाइन से अबव केवल ग्राफ का ये पोर्शन है, इसमें x की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 से कहां तक चेंज हो रही, पाई बाई 3 तक। तो इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3 भी इंटरसेक्शन की वजह से है, क्लोज, पाई बाई 3 भी इंटरसेक्शन की वजह से है, क्लोज। तो सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3 टू 2n पाई प्लस पाई। ज्यादा चांस इसी का है कि ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वो वाला भी कभी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि ये वाला सॉल्यूशन आपको मिलेगा, x belongs to my 2n pi minus pi by 3 to 2n pi plus pi by 3। इसमें पूरा कंटीन्यूअस इंटरवल एक साथ मिल गया, माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3। हम लोग अब सॉल्व करते हैं cos x greater than minus of root 3 by 3। तो पहले cos x ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट हो गया माइनस पाई बाई 2,
ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू एंड ये टू पाई। अब इसके बाद हम लोग माइनस रूट थ्री बाई टू लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हो जाएगी वाई इक्वल टू माइनस हाफ अंडर रूट थ्री अपॉन टू। आप अगर इन पॉइंट्स को फाइंड करें तो आपको मालूम है कि कॉस एक्स की वैल्यू रूट थ्री बाई टू किस पॉइंट पर होती है, पाई बाई सिक्स पर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा पाई से पाई बाई सिक्स पहले, यानी पाई माइनस पाई बाई सिक्स, पाई माइनस पाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा फाइव पाई बाई सिक्स। ये पॉइंट पाई से पाई बाई सिक्स आगे पाई प्लस पाई बाई सिक्स, पाई प्लस पाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा सेवन पाई बाई सिक्स। अब आप देखो ग्रेटर देन करना है, कॉस एक्स ग्राफ माइनस रूट थ्री बाई से माइनस रूट थ्री बाई टू से अबव हो। तो देखो ये यहां से यहां तक अबव है, फिर यहां से यहां जब हम इंटरवल लेंगे जीरो से टू पाई तब की हम बात कर रहे हैं। हमने अगर एक्स का इंटरवल जीरो से टू पाई लिया तो देख सकते हो कि जीरो से लेके पाई बाई सिक्स तक ग्राफ अबव है, फिर सेवन पाई बाई सिक्स से लेकर टू पाई तक, टू पाई तक अबव है। तो सोल्यूशन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू फाइव पाई बाई सिक्स, जीरो पर तो क्लोज क्योंकि जीरो पर वैल्यू वन है, वन जो है माइनस रूट थ्री बाई टू से ग्रेटर है, जीरो पर क्लोज। फाइव पाई बाई सिक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वजह से मिला है, तो फाइव पाई बाई सिक्स का ओपन यूनियन। फिर आप देख सकते हो सेवन पाई बाई सिक्स से लेकर टू पाई तक यूनियन, सेवन पाई बाई सिक्स टू टू पाई, सेवन पाई बाई सिक्स पर ओपन, टू पाई पर क्लोज। इसका जब जनरल सोल्यूशन लिखेंगे टाइम पीरियड टू पाई है तो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा टू एन पाई, टू एन पाई प्लस फाइव पाई बाई सिक्स यूनियन टू एन पाई प्लस सेवन पाई बाई सिक्स टू एन पाई प्लस टू पाई पर ओपन कर दीजिए, यहां पे क्लोज हो चुका। इसमें आप देख सकते हो कि जो सोल्यूशन आ रहा है वो कितने पार्ट में आ रहा है, दो पार्ट में। अगर हम इसी इंटरवल को माइनस पाई से स्टार्ट करके पाई तक एक्स का इंटरवल जो है हम लोग माइनस पाई से पाई तक, तो आप देख सकते हो जो माइनस रूट थ्री बाई टू लाइन है ये यहां, इससे बाई ग्राफ आपके ये, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो इंटरवल मिल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है। आपको इसमें बस ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट जो होगा वो पाई बाई माइनस पाई से पाई बाई सिक्स पहले, यानी आप बोलोगे इसमें से इस पॉइंट को जब फाइंड करना होगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका माइनस पाई प्लस पाई बाई सिक्स, यानी ये पॉइंट आपका आ जाएगा माइनस फाइव पाई बाई सिक्स। इसको फाइंड करोगे माइनस फाइव पाई बाई सिक्स। तो आप देख सकते हो कि जब इसका सोल्यूशन आप चेक कर रहे हैं तो आप मिल रहा माइनस फाइव पाई बाई सिक्स टू फाइव पाई बाई सिक्स, सोल्यूशन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव पाई बाई सिक्स टू फाइव पाई बाई सिक्स। टाइम पीरियड क्योंकि यहां ओपन इसलिए है क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, टाइम पीरियड टू पाई है, तो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू टू एन पाई माइनस फाइव पाई बाई सिक्स टू टू एन पाई प्लस पाई पाई बाई सिक्स। ये सोल्यूशन हो जाएगा कॉस एक्स ग्रेटर देन माइनस रूट थ्री बाई टू। इसके दो सोल्यूशन हमने लिखे हैं, एक ये वाला जिसमें इंटरवल दो पार्ट में है और एक ये वाला जिसमें इंटरवल सिंगल पार्ट में, सिंगल एक इंटरवल में है। आपके एग्जाम में जो आंसर लिखा होगा वो हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो जो आंसर दिया जाएगा उसी का हम लोग यूज करेंगे। चांस ज्यादा इसके कि सिंगल इंटरवल में लिखा है, लेकिन ये भी कभी कभी एग्जाम में दिया जा सकता है, तो हम लोग दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, वो वाला भी यूज कर सकते हैं और इस वाले को भी यूज कर सकते हैं।
टेन एक्स ग्रेटर देन वन, इसमें इसका टाइम पीरियड जो होता है वो पाई होता है, तो हम लोग एक टाइम पीरियड में ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। उसमें भी या आपको मालूम है कि जो x की वैल्यू है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म की नहीं हो सकती, यानी पाई बाई 2 के r मल्टीपल्स नहीं है। ये पाई बाई 2, ये 0, ये माइनस पाई बाई 2, ये ग्राफ प्लॉट हो गया। टेन एक्स ग्रेटर देन 1, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी y इक्वल टू 1 ग्रेटर देन, यानी इसके अब तो ये पोर्शन है जो y को 2 1 लाइन के अब इस पॉइंट को अगर फाइंड करना होगा तो tan x की वैल्यू 1 कहां पे होती है, पाई बाई 4 पे, ग्रेटर देन 1 तो आप देख सकते हो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, तो x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे तो ओपन ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कभी इंटरवल में आना ही नहीं है। पाई बाई 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वजह से मिल रहा है पॉइंट, देख सकते हो यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं, तो पाई बाई 4 पे भी ओपन। इसका टाइम पीरियड पाई होता है तो हम लोग एन पाई ऐड कर देंगे, एन पाई प्लस पाई बाई 4, तो एन पाई प्लस पाई, ये इनइक्वालिटी का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया, y इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन होगी y इक्वल टू 2, लेस देन आर इक्वल टू कर देते हैं, लेस देन आर इक्वल टू ये हो गया, इसके बिलो। इस बार आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो tan x इक्वल टू 2 जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी tan इनवर्स 2। तो आप देखेंगे इस पॉइंट को जब आप फाइंड किए तो ये पॉइंट आपको क्या मिल जा रहा है, टेन इनवर्स 2। अब लेस देन तो आप देख सकते हो कि यहां से ये पॉइंट क्या था, माइनस पाई बाई 2, ये पॉइंट पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से लेके टेन इनवर्स 2 तक ये ग्राफ जो है वाई इक्वल टू लाइन के बिलो है, तो सोल्यूशन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू टेन इनवर्स 2। माइनस पाई बाई 2 पे तो ओपन ही होना है क्योंकि इस पर ये टेन एक्स डिफाइन ही नहीं होगा, टेन इनवर्स 2 जो कि यहां पर 2 पर इक्वल टू लगा तो यहां पे क्या किया जाएगा, क्लोज। ये एक टाइम पीरियड का सोल्यूशन हो गया, जनरल करने के लिए इसमें एन पाई हमने ऐड कर दिया, तो एन पाई माइनस पाई बाई 2 टू एन पाई प्लस टेन इनवर्स 2। हम लोग tan x की जगह पर y पुट कर लेते हैं,
पुट tan x इक्वल टू y, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, इन इन इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर प्लस y ग्रेटर देन 2। 1 प्लस y स्क्वायर एलसीएम ले लो, 2y इनटू 1 प्लस y स्क्वायर इनटू y ग्रेटर देन 2 टाइम्स 1 प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये 1 प्लस y स्क्वायर आगे पॉजिटिव, इसलिए हम लोग यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसे तो इनइक्वालिटी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, लेकिन जब साइन मालूम हो ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 2y प्लस y 3y प्लस y क्यूब ग्रेटर देन 2y स्क्वायर प्लस 2, इसको इधर ले आओ, हो जाएगा y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो। क्यूबिक है, इसके फैक्टर कर रहे हैं तो हम देखें कि इसमें कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। तो हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू अगर 1 पुट कर लिया जाए, पुट y इक्वल टू 1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब y माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, y माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो इसमें से y माइनस 1 कॉमन लिया जाए तो y क्यूब माइनस y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू वाई माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। इस पूरे में वाई स्क्वायर कॉमन होता है तो वाई माइनस वन होगा, इसमें माइनस वाई कॉमन होता है तो वाई माइनस वन, और इसमें प्लस टू कॉमन तो वाई माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। वाई माइनस वन पूरे में कॉमन हो गया, वाई माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। आप जरा इस क्वाड्रेटिक को देखो ध्यान से, इसमें y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है, और इसका जरा डिस्क्रिमिनेंट देखिए माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 जो कि लेस देन 0। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री यानी 2 का y पावर 2 का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो तो वो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये वाली वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव। y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा इस क्वाड्रेटिक में, तो केवल आपका बच जाएगा y माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो गई, तो यहां से आपको जाएगा y ग्रेटर देन 1। y आपने क्या ले रखा था tan x, तो सॉल्व होकर मिल गया tan x ग्रेटर देन 1। अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, तो उसके लिए हम लोग tan x का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर दिया गया, ये पॉइंट आपको पाई बाई 4 मिल जाएगा, ग्रेटर देन 1 यानी ये यहां से यहां तक, तो सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे तो नहीं रखना है, पाई बाई 4 पर देखो वहां पर इक्वल टू का साइन नहीं, पाई बाई 4 पर भी ओपन है, तो जनरल सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4 टू n पाई प्लस पाई बाई 2, यही इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, 3 साइन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां पर आप लोगों को देख सकते हो सॉल्व करने के लिए साइन 3 साइन एक्स इक्वल टू 2 जब करेंगे तो यहां पर आपको साइन एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा 2 बाई 3, तो x इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स 2 बाई 3। इस साइन इनवर्स 2 बाई 3 को अल्फा ले लेते हैं, तो देखो इसमें आपको क्या इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी, आप इसको लिख लो 3 साइन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो आपको मिल जाएगा साइन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बाई 3। ड्रॉ करिए साइन x फिगर, एक टाइम पीरियड 0 से 2 पाई 0 टाइम पीरियड, ये ग्राफ हो गया 0 ये पाई ये 2 पाई, साइन एक्स ग्राफ प्लॉट हो गया। अब y इक्वल टू 2 बाई 3 लाइन ड्रॉ करिए, तो लाइन यहां कहीं पे आएगी, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 2 बाई 3, फिर
इसका इंटरसेक्शन, तो देख सकते हो इंटरसेक्शन पे क्या एंगल मिल रहा है, साइन इनवर्स 2/3, इसको आपने क्या लिया है अल्फा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा अल्फा। तो जैसा आपको बताया गया है कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल जीरो से जितना ये आगे होगा पाई से उतना पीछे होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। साइन एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए, तो आप देख सकते हो ग्रेटर देन यहां से यहां तक साइन एक्स का जो ग्राफ है वाई इक्वल टू 2/3 लाइन से अबव है, तो इस वाले इंटरवल में ये इंटरवल कहां से स्टार्ट हुआ अल्फा से, कहां पे खत्म हो रहा है पाई माइनस अल्फा पर। तो अल्फा से पाई माइनस अल्फा को जो इंटरवल है उसमें साइन एक्स का ग्राफ वाई इक्वल टू 2/3 लाइन से अबव है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू पाई माइनस अल्फा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन यूज हुआ है इसलिए अल्फा भी क्लोज इंटरवल, पाई माइनस अल्फा भी क्लोज, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिले पॉइंट, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिला है, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिला है, और यहां पर इक्वल टू का साइन है तो दोनों पर क्या हो जाएगा क्लोज। फिर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए आप लिख लेंगे एक्स बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस अल्फा टू 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, तो 3 sin x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होगा। चलिए एक और सॉल्व करिए, 2 साइन एक्स माइनस रूट 3 इंटू 2 साइन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आपको 2 sin x माइनस रूट 3 इंटू 2 sin x प्लस 1 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। तो आप यहां पे अगर sin x को t अज्यूम कर लो, पुट sin x इक्वल टू t, तो ये तो मालूम है कि जो t का इंटरवल होगा वो माइनस 1 टू 1 होगा, तो ये आपको हो जाएगा 2t माइनस हाफ रूट 3 इंटू 2t प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहां पे एक पॉइंट क्या मिल रहा है माइनस 1/2 और एक पॉइंट मिल रहा है रूट 3/2। प्लस माइनस प्लस, जैसा कि आपको मालूम है कि t की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, तो यहां कहीं पे माइनस 1 होगा और यहां कहीं पर 1 होगा। तो आप देख सकते हो कि ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब t की वैल्यू माइनस 1 से माइनस 1/2 तक, क्योंकि यहां पर इक्वल टू है तो माइनस 1/2 भी क्लोज, यूनियन रूट 3/2 टू 1। अब आप लोग t की वैल्यू, t आपका क्या है sin x है, इसका मतलब जो sin x है वो माइनस 1 से माइनस 1/2 यूनियन रूट 3/2 टू 1 इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो हमें सॉल्व करना होगा कि साइन एक्स का वो इंटरवल एक टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड हमें लेंगे 0 टू 2π, एक टाइम पीरियड में हमें फाइंड करना है कि साइन एक्स का ग्राफ कब माइनस 1 से माइनस 1/2 के बीच में है और कब रूट 3/2 से लेके 1 के बीच में है, मतलब साइन एक्स लेस देन माइनस 1/2 और साइन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू रूट 3/2। हमें देखना होगा कि कब वो माइनस 1/2 से छोटा है साइन एक्स और कब रूट 3/2 से बड़ा। चलो भाई साइन एक्स ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, एक टाइम पीरियड में 0 से 2π में ये ग्राफ हो गया साइन एक्स का, y इक्वल टू माइनस 1/2 और y इक्वल टू रूट 3/2, दो लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये लाइन होगी y इक्वल टू रूट 3/2 तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे,
ये पॉइंट हो जाएगा पाई बाई थ्री और ये पॉइंट हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई थ्री यानी टू पाई बाई थ्री। और नेक्स्ट लाइन आपको ड्रॉ करनी है y इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाई टू, तो ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन टू। अगर हम 1 बाई टू एंगल देखते, 1 बाई टू पर एंगल देखते तो 1 बाई टू पर एंगल पाई बाई सिक्स आता, लेकिन माइनस 1 बाई टू है तो ये पाई से पाई बाई सिक्स आ गई यानी पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 7 पाई बाई सिक्स। और ये वाला पॉइंट 2 पाई से पाई पहले तो 2 पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो ये पॉइंट कितना हो गया 11 पाई बाई सिक्स। अब हमको जब इनइक्वालिटी का सलूशन है तो आप देख सकते हो कि साइन एक्स माइनस वन बाई टू से छोटा होना चाहिए या फिर रूट थ्री बाई टू से बड़ा। तो आप देख सकते हो यहां से यहां तक ये रूट थ्री बाई टू से ग्रेटर है, तो पाई बाई थ्री से टू पाई बाई थ्री ये यहां से यहां तक सॉल्यूशन हो जाए। फिर उसके बाद ये माइनस वन अपॉन टू से लेस, तो आप देख सकते हो ये वाला इंटरवल जो हो गया इस इंटरवल में ये माइनस वन अपॉन टू से क्या हो जाएगा लेस। ये वाला इंटरवल कहां से कहां तक है 7 पाई बाई 6 से लेके 11 पाई बाई 6 तक। ये सारे पॉइंट जो है इंटरसेक्शन के पॉइंट हैं और इक्वल टू का साइन यूज हुआ है तो सब पे क्या आ जाएगा क्लोज्ड। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू पाई बाई 3 टू 2 पाई बाई 3 यूनियन 7 पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 टू 11 पाई बाई 6, ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे तो sin x का टाइम पीरियड 2 पाई है तो 2n पाई ऐड कर देंगे, तो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3 टू 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 यूनियन 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6 कॉमा 2n पाई प्लस 11 पाई बाई 6, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। अब देखो अगर मान लो कि हमें दो अलग अलग टाइप के फंक्शन या दो अलग अलग फंक्शन fx into gx को ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है, तो आप बोलोगे fx into gx ग्रेटर देन 0 तभी हो सकता है जब दोनों के साइन सेम हो, मतलब दोनों एक साथ पॉजिटिव हो जाएं, fx ग्रेटर देन 0 gx ग्रेटर देन 0 और दोनों एक साथ निगेटिव हो जाएं fx less than 0 and gx less than 0। यहां पर अगर इक्वल टू होगा तो इन सारी सभी जगह पर आप इक्वल टू यूज कर लो। सिमिलरली आपको अगर कभी सॉल्व करना हो जाए fx into gx less than 0 तो ये तब पॉसिबल होगा जब दोनों के साइन अपोजिट हो जाए, जब fx पॉजिटिव हो तो उस समय gx निगेटिव हो और जब fx निगेटिव हो जाए तो उस समय जीएक्स पॉजिटिव। ये दोनों एक साथ यानी इन दोनों में इंटरसेक्शन वाला कॉमन इंटरवल सर्च करना पड़ेगा, इन दोनों में भी कॉमन इंटरवल सर्च करना पड़ेगा और यहां से जो कॉमन इंटरवल आएगा यहां से जो कॉमन इंटरवल आएगा उन दोनों का फिर हम लोग क्या ले लेंगे यूनियन। सिमिलरली एक पॉजिटिव हो तो उसी टाइम पर दूसरा निगेटिव यानी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन इंटरवल, दोनों एक साथ ऐसा इंटरवल चूज करना पड़ेगा जिसमें fx पॉजिटिव हो जाए और gx नेगेटिव हो जाए, या फिर हमें ऐसा इंटरवल चूज करना पड़ेगा जिसमें fx नेगेटिव हो जाए और gx पॉजिटिव हो जाए, और फिर जब दोनों जगह सॉल्यूशन आ जाएंगे तो दोनों सॉल्यूशंस को हम यूनियन से ऐड कर देंगे।
तो जब हमें दो अलग अलग फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो सॉल्व करना होता है तो वहां पर दो केस हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। ग्रेटर देन जीरो में दोनों एक साथ पॉजिटिव या फिर दोनों एक साथ निगेटिव, और लेस देन जीरो में दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए, यानी जब एफ एक्स पॉजिटिव हो तो उस समय जी एक्स निगेटिव हो, या फिर जब एफ एक्स निगेटिव हो तो उस समय जी एक्स पॉजिटिव हो जाए। टू साइन एक्स माइनस वन इंटू टू कॉस एक्स प्लस अंडर रूट थ्री ग्रेटर देन जीरो। हमको इसको सॉल्व करना, टू साइन एक्स माइनस वन इंटू टू कॉस एक्स प्लस रूट थ्री ग्रेटर देन जीरो। अभी जब हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था तो वहां पे दोनों साइन के थे, तो हमने वहां पर सिंपल इनइक्वालिटी से इंटरवल फाइंड कर लिया था कि किस इंटरवल में साइन को पॉजिटिव होना चाहिए, किस इंटरवल में साइन को नेगेटिव होना चाहिए, तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमने सॉल्यूशन फाइंड किए थे। यहां पर एक साइन एक्स का फंक्शन है, एक फंक्शन साइन एक्स है, दूसरा कॉस एक्स है, तो वहां यहां पर एफ एक्स इंटू जी एक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मतलब ये हुआ टू साइन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, टू कॉस एक्स प्लस रूट थ्री ग्रेटर देन जीरो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप बोलोगे साइन एक्स ग्रेटर देन वन बाई टू एंड कॉस एक्स ग्रेटर देन माइनस रूट थ्री बाई टू। तो हमें वो इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा जिसमें साइन एक्स की वैल्यू वन बाई टू से ग्रेटर हो और cos x की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू से ग्रेटर हो, एक साथ वो इंटरवल जिसमें ये 1 बाई टू से ग्रेटर हो, ये माइनस रूट थ्री बाई टू से ग्रेटर हो। दूसरा केस 2 sin x माइनस 1 लेस देन 0, सेम टाइम पर 2 cos x प्लस रूट थ्री लेस देन 0। इसको हम लोग सॉल्व करके लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं sin x लेस देन 1 बाई टू एंड cos x लेस देन माइनस रूट थ्री बाई टू। चलो ग्राफ प्लॉट करो। हमें इस बार साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के ग्राफ एक साथ प्लॉट करने हैं। एक टाइम इंटरवल ले लो, तो यहां भी जीरो से टू पाई का टाइम इंटरवल सिलेक्ट करें। ये ग्राफ हो गया साइन एक्स का, अब आप कॉस एक्स ग्राफ प्लॉट करिए। ये ग्राफ हो गया कॉस एक्स। हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करनी है साइन एक्स लेस देन वन बाई टू, तो वाई इक्वल टू वन अपॉन टू। तो आपको मालूम है कि ये पॉइंट होता है वन बाई रूट टू, तो वाई इक्वल टू वन अपॉन टू इसके बिलो होगा। ये लाइन होगी y इक्वल टू वन बाई टू। आप पहले y इक्वल टू वन अपॉन टू के इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो, cos x के साथ भी sin x के साथ भी। तो देखो जब ये sin x को करता रहेगा वन बाई टू, तो ये पॉइंट होगा पाई बाई सिक्स, और जब ये cos x को कट करेगा वन अपॉन टू, तो ये पॉइंट हो जाएगा पाई बाई थ्री। फिर देखिए ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, ये फिर यहां पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स, यानी फाइव पाई बाई सिक्स, और फिर ये यहां पे कट कर रहा है कौन सा ग्राफ है, कॉस एक्स का, तो ये पॉइंट हो जाएगा टू पाई माइनस पाई बाई थ्री। टू पाई माइनस पाई बाई थ्री सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा फाइव पाई बाई थ्री। हमने वन बाई टू के साथ सारे इंटरसेक्शन देख लिए। नेक्स्ट लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी y इक्वल टू माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू। तो जैसा मालूम है कि ये माइनस वन अपॉन रूट टू होगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू माइनस वन अपॉन रूट टू लाइन से बिलो आएगा, तो यहां पे कहीं ये लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू।
इनके भी इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, तो आप देखिए पहले ये किसको कटता है, cos x का, ये ग्राफ है cos x का, तो ये पॉइंट आप फाइंड करिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा 2π/3, सॉरी ये पॉइंट होगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स माइनस रूट थ्री बाई टू, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 5π/6, यानी ये सेम पॉइंट होगा, ये दोनों सेम है, एक ही लाइन में 5π/6। नेक्स्ट फिर आप देखिए ये किसका इंटरसेक्शन है, ये भी cos x का इंटरसेक्शन है, तो ये पाई प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई सिक्स कितना हो गया 7π/6। ये पॉइंट है, फिर उसके बाद ये पॉइंट आपको 7π/6 मिल गया। फिर उसके बाद आप देखिए ये लाइन किसको कट करे, इस वाले को, ये ग्राफ किसका है sin x का है, तो ये पॉइंट आपको हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई थ्री, सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा 4π/3। फिर ये ग्राफ, ये किसका इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन भी किसका है साइन एक्स का, 2π/3 पॉइंट कितना हो जाएगा 5π/3, 2π/3 कितना हो गया 5π/3, यानी ये पॉइंट। अब आपको देखना है कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर कब है, और उसी सेम टाइम पर cos x की वैल्यू -√3/2 से लेस कब है। तो ये ग्राफ है sin x का, आप देख सकते हो sin x यहां से यहां तक, ये यहां से यहां 1/2 से ग्रेटर है, उसके बाद कहीं पर ये ग्राफ 1/2 से ग्रेटर नहीं हो रहा है। आप इस इंटरवल में, आप इस π/6 से लेके 5π/6 में ये भी साथ में चेक करो कि क्या इस पर्टिकुलर टाइम पर cos x जो है -√3/2 लाइन से अबव है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो कि cos x का ग्राफ ये है, जो आप देख सकते हो कि यहां से 0 से स्टार्ट होकर इस 5π/6 तक ये ग्राफ -√3/2 लाइन से अबव है। इसका ये मतलब हुआ कि π/6 से 5π/6 एक ऐसा इंटरवल मिल रहा है जिसमें sin x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर है, और सेम टाइम पर cos x जो है -√3/2 से ग्रेटर है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा, π/6 टू 5π/6, एक ये इंटरवल आ गया, x बिलोंग्स टू π/6 टू 5π/6। ये दोनों इंटरसेक्शन के पॉइंट हैं, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है, ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि वो इंटरवल जिसमें sin x 1/2 से लेस हो, cos x -√3/2 से लेस हो, तो जरा पहले cos x का ग्राफ आप देखिए, ये ग्राफ है cos x का -√3/2 से लेस, तो देख सकते हो ये यहां से इस पॉइंट तक, आपको इस पॉइंट तक आपको cos x जो है सेम टाइम यहां से यहां तक cos x जो है -√3/2 से लेस मिल रहा है। ये इंटरवल कहां से कहां तक, 5π/6 से लेके 7π/6 तक। अब आपको ये देखना होगा कि 5π/6 से लेके 7π/6 तक ये जो sin x है, sin x जो है वो 1/√3/2 लाइन से अबव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो आप देख लो sin x का ग्राफ भी y = -√3/2 लाइन से अबव है, सॉरी जब cos x की वैल्यू -√3/2 से हो उस समय sin x 1/2 से लेस होना चाहिए। तो आप देखिए जरा 5π/6 से लेके ये पॉइंट जो है 7π/6 तक क्या sin x 1/2 लाइन से बिलो है, तो देख सकते हो ये ग्राफ है sin x का, ये लाइन है y = 1/2, देख सकते हो इसके बिलो है। इसका ये मतलब हुआ कि 5π/6 से 7π/6 में cos x अगर -√3/2 से लेस है, तो उसी सेम टाइम पर sin x जो 1/2 से लेस मिल रहा है। फिर से देखो cos x की वैल्यू -√3/2 से लेस की इंटरवल में है, तो देख सकते हैं ये लाइन है -√3/2, इस वगैरह वाला ग्राफ हुआ जो बिलो है ग्राफ का ये पोर्शन, इस पोर्शन में x की वैल्यू 5π/6 से कहां तक चेंज हो रही है 7π/6 तक, कहां से कहां तक 5π/6 से लेके 7π/6 तक। अब आप देखिए जरा 5π/6 से लेके 7π/6 में क्या हम लोगों को cos sin x की वैल्यू 1/2 से लेस मिल रही है, तो हम जरा चेक करें,
हमने चेक किया तो sin x का ये ग्राफ है sin x का, ये लाइन है y equal to 1 by 2, तो आप देख सकते हो कि ये वाला पोर्शन 1 by 2 लाइन से बिलो है, 7 pi by 6 तक आपको sin x का ग्राफ 1 upon 2 लाइन से बिलो मिल रहा है, इसका मतलब ये सलूशन हो जाएगा 5 pi by 6 से लेके 7 pi by 6 तक, तो x belongs to pi by 6 to 5 pi by 6 union 5 pi by 6 to 7 pi by 6. अब क्योंकि हम लोग यहां पर इक्वल टू का साइन यूज नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग इस इंटरवल को दो पार्ट में लिखेंगे। अगर यहां पर इक्वल टू होता तो 5 पाई बाय 6 पॉइंट इंक्लूड हो जाता, तब हम इन दोनों को कंबाइन जब करते तो पाई बाय 6 से लेके कहां तक हो जाता, 7 पाई बाय 6 तक। या तो आप इसको ऐसे लिखिए या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू पाई बाय 6 टू 7 पाई बाय 6 माइनस 5 pi by 6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्योंकि ये जो सॉल्यूशन आया है वो आपने एक टाइम पीरियड का लिखा, इसको जनरल करने के लिए क्या लिख लोगे, x belongs to इसका टाइम पीरियड 2n pi, दोनों में 2n pi plus pi by 6 to 2n pi plus 7 pi by 6 minus 2n pi plus 5 pi by 6। ये इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखो इसको, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, देन प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी लेस देन आर इक्वल टू रूट 3 बाई। देखो इसमें इक्वालिटी के लिए तो केवल एक ही केस है, इक्वालिटी होल्ड्स इफ साइन ए इक्वल टू साइन बी इक्वल टू साइन सी, इसका मतलब एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल, तो जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो बन जाएगी पाई बाई 3, और जब आप सॉल्व करेंगे साइन पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 सॉरी यहां पे 3 रूट 3 बाई 3 साइन पाई बाई 3, तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 3 रूट 3 बाई 3 रूट 3 बाई 2 रूट 3 बाई 2 रूट 3 बाई 2 3 रूट 3 बाई 2। तो यहां से आपको साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 3 रूट 3 बाई 2 मिल गया। अब हम प्रूफ करेंगे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी लेस देन 3 रूट 3 बाई 2। अब देखो इसके लिए आप ग्राफ का यूज करिए, साइन के ग्राफ 0 से पाई का इंटरवल लीजिए, ये हमने ले लिया 0 से पाई, क्योंकि एंगल जो होगी जीरो से लेके पाई तक चेंज कर सकते हो, कोई भी पाई आप पाई लेंथ का कोई भी इंटरवल सिलेक्ट कर सकते हो, तो हमने जीरो से लेके पाई तक का इंटरवल सिलेक्ट कर लिया। इसमें आप तीन पॉइंट ले लो, हमने ले लिया पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट हमने लिया पॉइंट बी, तीसरा हमने ले लिया पॉइंट सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने यूज कर लिया ए कॉमा साइन ए, बी जो है बी कॉमा साइन बी एंगल बी, और C जो है C कॉमा साइन सी। अब हमने इन तीनों पॉइंट को
ज्वाइन करके ट्रायंगल कंप्लीट कर लें। अब अगर हम इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड फाइंड करें जी, तो सेंट्रोइड जी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बताओ? ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई थ्री। अब आप देखिए जरा, हम अगर यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, वर्टिकल लाइन, तो इस पॉइंट जी और इस पॉइंट को अगर लिंक कर लिया जाए पॉइंट पी, तो पॉइंट जी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो पॉइंट पी के वाई कोऑर्डिनेट से लेस होगा। क्यों? क्योंकि तो पॉइंट जी जो है वो पॉइंट पी के बिलो लाई कर रहे हैं। तो आप बोलोगे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ जी लेस देन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पॉइंट पी पर आप देख सकते हो कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री है, तो जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी पाई गिवन है, तो यहां पे पुट करोगे तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पाई बाई थ्री एंड साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री वैल्यू हो जाएगी रूट थ्री बाई थ्री। ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई थ्री लेस देन वाई कोऑर्डिनेट आपकी कितना है? रूट थ्री बाई टू, लेस देन रूट थ्री बाई टू। तो यहां सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी लेस देन थ्री रूट थ्री बाई। यहां पर आप जीरो से लेके पाई सेलेक्ट किए हैं, कोई स्टूडेंट चाहे तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू भी ले सकते हैं। तो क्योंकि हम ऐसे ऐसे पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें पूरा कॉन्टिन्यूअस एक कर्व मिल जाए, तो यहां से हमने जीरो से पाई लिया cos x का केस होगा तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लेते हैं। तो इस तरीके से देखो हमने प्रूफ कर दिया कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी लेस देन थ्री रूट थ्री बाई टू, और इक्वालिटी हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो इससे हमारे इस तरीके से हमने इस इनइक्वालिटी को प्रूफ कर दिया कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी लेस देन आर इक्वल टू थ्री रूट थ्री बाई टू। देखो cos x का केस ले लो, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट cos a प्लस cos b प्लस cos c लेस देन आर इक्वल टू 3 बाय। इक्वालिटी आपको क्लियर है कि cos a cos b इक्वल टू cos c, इक्वालिटी होल्ड्स। इक्वालिटी equality holds if cos a equal to cos b equal to cos c, इसका मतलब a equal to b equal to c, a equal to b equal to c का मतलब एंगल क्या होना चाहिए? pi by 3। तो यहां जब आप सॉल्व करोगे तो cos a plus cos b plus cos c की जो वैल्यू मिलेगी वो 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 3 यानी 3 by 2। अब हम लोग प्रूफ करते हैं cos a प्लस cos b प्लस cos c लेस देन 3 बाई 3। तो आपसे ऐसे ग्राफ ले लो, हम जीरो से पाई में भी ले सकते हैं माइनस पाई बाई टू से, लेकिन इसमें हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लेंगे जिससे कि हमें पूरा एक साथ पूरा का पूरा कर्व मिल जाए। माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इसमें तीन पॉइंट आप ले लो वैसे ही जैसे वहां के लिए थे, पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी ले लो और एक पॉइंट सी ले लो। ये हमने एबीसी एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। आप इसका सेंट्रोइड फाइंड करिए, कोई पॉइंट जी मान लीजिए, यूं कर लेते हैं सेंट्रोइड जी,
पॉइंट ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉस ए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे डी कॉस बी, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सी कॉस सी। हम लोग जब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो सेंट्रोइड जी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री कॉमा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बाई थ्री। हम लोग इस लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर यहां पे पॉइंट भी ले लेंगे, जैसे अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में लिया गया था, तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री जो कि क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री। एंड क्योंकि ये पॉइंट तौर पे है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री तो कॉस ऑफ पाई बाई थ्री, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिल जाएंगे पाई बाई थ्री कॉमा वन बाई टू। अब जैसा देख पा रहे हो कि पॉइंट बी अबव है पॉइंट बी बिलो है, तो आप बोलोगे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, y कोऑर्डिनेट ऑफ p ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ g, ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ g, y कोऑर्डिनेट ऑफ p ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ g, y कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना है 1 बाई टू आपको मिलेगा 1 अपॉन 2, ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ g कितना है cos a प्लस cos b प्लस cos c, cos a प्लस cos b प्लस cos c बाई थ्री, तो आप मल्टीप्लाई कर दिया गया तो यहां पर मिल जाएगा cos a प्लस cos b प्लस cos c लेस देन 3 बाई 2, तो यहां से लेस देन प्रूफ हो गया। इक्वालिटी आपने यहां से प्रूफ कर ली थी तो हमारी ये इक्वालिटी इस तरीके से प्रूफ हो गई। एक और क्वेश्चन, जीरो लेस देन ए लेस देन फाइव बाई सिक्स, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट ए इंटू कोसेक ए लेस देन फाइव बाई थ्री। कोसेक ए है जिसमें यहां पर ग्राफ से साइन का यूज करिए, मुझे ध्यान रखिएगा कि साइन एक्स जीरो पर डिफाइन है, ग्राफ में साइन एक्स का यूज। इंटरवल जीरो से लेके पाई बाई सिक्स तक लेना है, ये पॉइंट होगा यहां पे पाई बाई सिक्स। कुछ ऐसे ग्राफ हो जाएगा, हमने जूम कर लिया ये पॉइंट है पाई बाई सिक्स, ये लाइन फिर से जरा इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, लाइन को दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं इसलिए इसको दोबारा प्लॉट करते हैं। देखो ऐसे ये पाई बाई सिक्स पॉइंट ले लिया, ये पाई बाई टू यहां पर जाएगा, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये पॉइंट हो गया पाई बाई सिक्स, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अगर इस पॉइंट को हम ए जूम कर लें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सॉरी ए वहां पर एंगल यूज हुआ है, यहाँ पे पी ए जूम कर लेते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पाई बाई सिक्स साइन पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी है 1 बाई टू, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पाई बाई सिक्स कॉमा 1 बाई टू। अब हमने इस पे जीरो और पाई बाई सिक्स के बीच में एक पॉइंट ए ले लिया, ये है पॉइंट ए, यहाँ पे एंगल है, तो यहां पर जब आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा साइन। अगर इस पॉइंट को q अज्यूम कर ले तो ये लाइन हो जाएगी OQ, ये OQ आप देख सकते हो, ये लाइन है OP और ये लाइन है OQ, कौन सी लाइन है भाई OQ, तो आप देख पाओगे कि यहां स्लोप ऑफ OQ
स्लोप ऑफ OQ जो है वो आपको स्लोप ऑफ OP से ज्यादा मिल रहा है। Q पॉइंट आपने ले रखा है A साइन A, वो तो ओरिजिन है, तो जब आप इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा साइन ऑफ A बाई A, साइन ऑफ A बाई A ग्रेटर देन स्लोप ऑफ OP, OP जो है पॉइंट क्या है पाई बाई 6 एंड 1 बाई 2, तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन पाई बाई 6 माइनस 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 0 से पाई बाई 6 में साइन भी पॉजिटिव है और एंगल ए भी पॉजिटिव है, तो ये आपको मिल जाएगा पाई बाई 6 अपॉन 1 बाई 2 ये इधर आया ग्रेटर देन ए बाई साइन ए। अब इसको सॉल्व कर लोगे ये पाई बाई 3 हो जाएगा, ये cos a हो जाएगा, यहां से प्रूफ हो जाएगा a into cos a less than pi by 3। इस तरीके से आपने इसको प्रूफ कर दिया a into cos a less than pi by 3।